हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो भी MPTET का जिन लोगों ने फॉर्म भरा था, आपकी 25 अप्रैल को होने वाली प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो स्थगित कर दी गई है। भोपाल से आपकी ये रिपोर्ट यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, ये आपका जो एग्ज़ाम है अभी 25 अप्रैल से आपका शुरू होने वाला था और ऐसे में अलग अलग डेट्स पर ही आपके एग्ज़ाम्स जो है वो करवाए जाने थे। और यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है, DLED की परीक्षाएँ भी आपकी UP को लेकर के भी जो परीक्षाएँ हैं वो स्थगित हो रही हैं। ऐसे में यहाँ पर जो आपका MPTET का एग्ज़ाम है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड PEB द्वारा 25 अप्रैल को ली जाने वाली प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो स्थगित कर दी गई है। यहाँ पर जो परीक्षा नियंत्रक हैं भदौरिया जी, उन्होंने बताया है कि इसकी अगली तारीख जो है वो बाद में घोषित की जाएगी, नई तारीख अभी दी नहीं गई है। और कब कब इसका नोटिफिकेशन आया था, 9 फरवरी जो है वो आवेदन की अंतिम तारीख थी। और ऐसे में लगभग 7 लाख उम्मीदवार जो है उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन किए थे। ठीक है जी, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये आपका रहा जो है MPTET को लेकर के, कि MPTET आपका फ़िलहाल के लिए रोक दिया गया है, नई डेट अभी जो है वो अनाउंस नहीं हुई है। आप लोग इसकी प्लेलिस्ट चेक करना बिल्कुल से मत भूलिएगा। इलेक्ट्रॉनिक स्टडी जो आपका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आपको CTET MPTET सभी के नोट्स मिलते रहेंगे, सभी के वीडियोज़ मिलते रहेंगे। आप अनअकैडमी पर फ्री वाली क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपकी MPTET के लिए जो MCQs वाली क्लासेस हैं वो भी वहाँ पर चल रही हैं डेली। आज भी शाम को 7 बजे क्लास होगी आपकी, उसे भी आप ज्वाइन ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे जल्दी ही, पर डे होती है, प्रतिदिन आपकी शाम को 7 बजे होती है। ठीक है जी, जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।